बदनावर से कांग्रेस विधायक राज्यवर्धन सिंह भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर बगावती सुर अपना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाने वाले दत्ती गांव तीसरी बार बदनावर से विधायक चुने गए हैं। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है और इससे वो खुद तो नाराज हैं ही, उनके इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि 70 सालों से बदनावर के किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। दत्ती गांव ने बदनावर में अपने समर्थकों से बात करते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उन्होंने टिकट दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद किया और कहा कि आप में से किसी को भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव अपना इस्तीफा लिखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर रखाएगा। बदनावर के 84,499 मतदाताओं कभी पूछ रहे थे सब क्यों नहीं बनाया गया, मैं भी सोच रहा हूँ अभी, लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई, शायद इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बेटा नहीं था। जैसे उमंग सिंह और भतीजे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के, सचिन यादव बेटे थे पूर्व मुख्यमंत्री के, जयवर्धन सिंह बेटे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के, हनी बघेल बेटे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री के। मेरे पिताजी साधारण आपके साथ के कार्यकर्ता थे जो संघर्ष करते जीते मरते आपके साथ ही चले। शायद ये दोष था हमारा कि हमारा परिवार मर मिटा पार्टी के लिए देश के लिए बलिदान न्योछावर कर दिया। शायद ये दोष था, ईमानदारी से हमने काम किया। लेकिन फिर ये भी कहते थे मेरे पिताजी, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों के। हार का तो सवाल ही नहीं। मैं सहमत हूं आप सबकी बात, जुलूस तो तभी निकलेगा जो आपका हक आपको मिलना मिले। आपकी सबकी भावना के अनुसार, क्योंकि एहसान है मुझ पे, महाराज ज्योतिराज संध्या का टिकट दिलाया उन्होंने मुझे, एहसान बाकी नहीं रखना किसी का, ये मेरे पिताजी कह गए थे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आप जैसे किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। राजवर्धन सिंह दत्ती का अपना इस्तीफा लिख के ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर बुलवाएगा।